ये दो तस्वीरें राजनीति के दो पहलुओं को दिखाती हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस के प्रदर्शन की है, तो कांग्रेस आज दिल्ली में जंतर मंतर से संसद मार्च तक लोकतंत्र बचाओ मार्च कर रही है। वहीं दूसरी तस्वीर कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी के सांसद संसद भवन कैंपस में बनी बापू की प्रतिमा के बाहर धरना दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं। दरअसल कांग्रेस ये कह रही है कि जिस तरह से अरुणाचल और उत्तराखंड में सरकारें गई, अस्थिर किया गया केंद्र की तरफ से, ये आरोप लगाया गया और इसीलिए लोकतंत्र बचाओ इसको नाम दिया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि बीजेपी जो अगस्ता डील मामले में, घूसकांड मामले में कांग्रेस को लगातार घेर रही है, वो कह रही है कि बताया जाए कि आखिर कौन वो लोग थे जो इस घूसकांड में शामिल है। जनार्दन द्विवेदी क्या कह रहे हैं इस मामले में, वो सुनते हैं। तो संसद से सड़क तक अभी लड़ाई पहुंच चुकी है। तो दिल्ली में इस वक्त कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ मार्च चल रहा है और इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत तमाम नेता मौजूद हैं। कांग्रेस अरुणाचल और उत्तराखंड में अपनी सरकारों को गिराने का विरोध कर रही है। लोकतंत्र बचाओ मार्च में शामिल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा था कि मोदी जी ने अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन आज देश के बेहद खराब दिन है। और ये एक एक करके राज्यों की कांग्रेस सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया, बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। आज हिंदुस्तान में सिर्फ दो लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी, और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मोदी जी की सरकार आई थी और उन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, और आज पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो भारत की आत्मा है, और कांग्रेस पे 1885 से लेकर अब तक कई लोगों ने हमले किए, कई लोगों ने इसे कमज़ोर करने की कोशिशें की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो कांग्रेस तो एक बहती हुई गंगा की तरह है, आप इसमें इल्ज़ाम लगाए चाहे कुछ भी करें, ये अपने रास्ते से पलटना नहीं चाहती। तो सोनिया गांधी की अगुवाई में ये मार्च निकाला जा रहा है जंतर मंतर से संसद भवन तक लोकतंत्र बचाओ मार्च। तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद आज संसद भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठे हैं। बीजेपी सांसद कांग्रेस सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। बीजेपी सांसदों का कहना है कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस नेता सड़क पर उतरे हैं। भगवान और महात्मा गांधी, इन गांधीवादियों को जो अब तक गांधी के नाम पर देश को ठगते रहे, गांधी के साथ अत्याचार करते रहे, जिन्होंने इस पूरे के पूरे देश को भ्रष्टाचार में डुबा दिया, तो भ्रष्टाचार से मुक्ति हो और जो लोग दोषी हैं वो जेल चले जाएं, वो अपने अपराध को कबूल करें। कांग्रेस के पास तो कोई कहने को विषय नहीं है। जब कांग्रेस के रक्षा मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके समय में घोटाला हुआ है,
तो वो घोटाले को करने वालों के नाम कांग्रेस को पहले ही डिक्लेयर करने चाहिए थे। उन्होंने लगभग 2 साल तक इस घोटाले पे लीपापोती करी और आज जब ये एस्टेब्लिश हो गया है कि कांग्रेस के राज में लगातार रक्षा सौदों में एक के बाद एक करके दलाली खाई गई है, आज जब उसकी जांच हो रही है तो वो केवल अपनी शर्म छुपाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं।